हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग एंड वाचिंग मिसेस रेखा सोनी एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ईवीएस. यस स्टूडेंट, ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 179. पेज नंबर 179 यू कैन सी इन द बुक चैप्टर 6 पार्ट बी. चैप्टर 6 पार्ट बी क्या है? मार्केट. What is market? Market क्या होता है? देखो, yes, आओ हम read करते हैं. Market क्या होता है? Market होता है बाजार. Okay students, yes, you can see in the book. आप देख रहे हो book के अंदर क्या है? देखो कि आपको एक picture दी हुई है. ये किस चीज़ की picture है? ये एक market की picture है. Okay students, तो आप भी market में रहते हो, कई मार्केट में रहते हैं, कई मार्केट से अदर मतलब प्लेस पे रहते हैं, कई कहीं रहते हैं, कई कहीं रहते हैं. तो देखिए मार्केट क्या है, आओ हम रीड करते हैं. देर इज़ ए स्मॉल मार्केट इन आवर नेबरहुड. देखो आपके जो पड़ोस में होती है, पड़ोस है, तो उसमें क्या है कि छोटी सी क्या है, एक मार्केट है, एक छोटा सा बाजार है. ओके स्टूडेंट्स, किसी के घरों के पास बाजार होता है और किसी के घरों के पास नहीं होता, तो वो क्या है, बाजार जाते हैं. जिनके घरों के पास बाजार नहीं होता तो वो क्या होता है, बाजार जाते हैं. तो ये देखो, देर इज़ ए स्मॉल मार्केट इन आवर नेबरहुड. हमारे घर के पास क्या है, पड़ोस में क्या है, एक छोटी सी छोटा सा बाजार है. देर आर मैनी शॉप्स इन द मार्केट. आप जाते हो तो आपने देखा ना कितनी प्रकार की वहाँ शॉप्स होती हैं, दुकानें होती हैं, होती है ना. आप जब भी मार्केट जाते हो तो आप देखते हो कहीं फलों की मतलब मार्केट वो शॉप होती है, कहीं मतलब खिलौ टॉयज़ की होती है, कहीं मतलब कपड़ों की होती है, कहीं किसी चीज़ की, कहीं किसी चीज़ की आप जाते हो ना. तो आगे देखो, रीड करते हैं. वी गो टू द मार्केट टू बाई थिंग्स दैट वी नीड. हम मार्केट क्यों जाते हैं बच्चों, कि हमें मार्केट जब जाना होता है, जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम मार्केट जाते हैं. देर इज़ ए शॉप सेलिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. आप जब भी मार्केट जाते हो, आप कई बार अपनी मम्मा के साथ, कई बार अपने पापा के साथ, दादी के साथ, दादा के साथ, चाचा के साथ, चाची के साथ मार्केट जाते हो, तो वहाँ से कई क्या करते हैं, वहाँ से फ्रूट्स खरीदते हैं, कई क्या करते हैं, वेजिटेबल्स खरीदते हैं, खरीदते हो ना आप. यस आगे देखिए, द केमिस्ट सेल्स मेडिसिंस. अब जो केमिस्ट क्या होते हैं, आप कहते हो मेडिकल से जाओ ये दवाई लेके आओ, आपके पापा भेज देते हैं, आपकी मम्मा भी भेज देती है, कई बार आपके दादा के लिए भी मतलब कोई बीमार हो जाए घर में तो क्या होता है कि आपको केमिस्ट के पास जाना होता है मेडिसिंस लेने के लिए. जाते हो ना हॉस्पिटल जाते हो, तो वहाँ से क्या है, आपको एक वो पर्ची सी लिख के देते, स्लिप सी देते हैं आपको, भई ये बाहर से दवाइयाँ ले लो, मेडिकल से दवाइयाँ ले लो. तो आप क्या करते हो, केमिस्ट के पास जाते हो, क्या खरीदने के लिए, मेडिसिंस खरीदने के लिए. दी बुक शॉप सेल्स बुक एंड मैगजीन्स. अब बुक शॉप पे क्या होता है, आप जाते हो ना बुक सेंटर पे, तो वहाँ से क्या खरीदते हो आप, आप देखते हो वहाँ से कई चीज़ें खरीदते हो, बुक्स भी खरीदते हो, मैगजीन्स भी खरीदते हो, कई प्रकार की जैसे कलर्स वगैरह, पेंसिल्स वगैरह, पेन्स वगैरह, अदर मैनी थिंग्स, पेपर बोर्ड, जो भी वहाँ जाते हो तो वहाँ से क्या करते हो, बुक सेंटर से क्या खरीदते हो आप, बुक्स, मैगजीन्स, अदर मैनी थिंग्स वहाँ से खरीदते हो. ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, वी कैन बाय ब्रेड, एग्स एंड अदर ईटेबल्स फ्रॉम ए जनरल स्टोर. कि हम जब बाजार जाते हैं तो वहाँ से क्या खरीदते हैं, ब्रेड भी खरीदते हैं, अंडे भी खरीदते हैं, अदर ईटेबल्स क्या होता है कि मतलब और भी कई खाने की चीज़ें वहाँ से खरीदते हैं. कई तो मतलब ये नमकीन्स में खरीदते हैं, कई बिस्किट्स, कई चॉकलेट्स, कई वो किंडर जॉय वगैरह, पता नहीं क्या क्या खरीदते हो आप बाजार जाते हो. तो किससे खरीदते हो, जनरल स्टोर से खरीदते हो. चिल्ड्रन बाय टॉयज फ्रॉम द जनरल स्टोर. अब जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या कहते हैं कि मम्मा हमें ये टॉय दिला दो इस शॉप से, मम्मा हमें ये टॉय दिला दो इस शॉप से. तो वो क्या करते हैं कि जनरल स्टोर से क्या करते हैं, कुछ खिलौने भी खरीदते हैं. कुछ बच्चे क्या है, खिलौने भी खरीदते हैं.
वी कैन ऑल्सो सी सम वेंडर सेलिंग बैलून्स एंड आइसक्रीम्स। जो देखो हम कई बार बाजार जाते हैं, मेले में ही जाते हैं, चलो बाजार में अगर मेला लगता है किसी चीज़ का तो हम जाते हैं, तो आप देखते हो ना वहाँ वेंडर्स खड़े होते हैं, मतलब कई गुब्बारे वाले खड़े होते हैं, कई आइसक्रीम रेडियो वाले जिन्हें बोला जाता है, तो क्या वो क्या करते हैं, आप उनसे क्या करते हो, बैलून्स भी खरीद लेते हो, आइसक्रीम्स भी खरीद लेते हो, भाई बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है वो रेडियां लगा लगा के खड़े हो जाते हैं, तो आप उनसे वो क्या है ये चीज़ें खरीदते हो, मार्केट जाते हो तब। नेक्स्ट इज देयर इज ए एसटीडी बूथ इन द कॉर्नर ऑफ द मार्केट। आप क्या करते हो कि अभी देखो, अभी तो बच्चों आप सबके घरों में मोबाइल्स वगैरह हैं, है ना, लैपटॉप वगैरह है, तो आप क्या है उनसे ही बात कर लेते हो, लेकिन पहले क्या हुआ करते थे, एसटीडी हुआ करते थे। अब देखो बेटा एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है, एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ये अगर आपसे कोई पूछे एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है तो आप झट से बता देना, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। क्या होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ये एसटीडी की फुल फॉर्म होती है। तो पहले क्या हुआ करते थे कि मतलब बाजार जाके जाते थे, या आपके घरों के पास भी कई बार आपने देखा होगा कि एसटीडी होता था, तो वहाँ जाके क्या है एक रुपया उसके अंदर बॉक्स में डाला और फिर क्या है आप कॉल कर लेते थे, है ना। तो अब तो क्या है आपके घरों में मतलब मोबाइल्स वगैरह हैं, उसमें रिचार्ज कई महीनों का भी होता है, कई मतलब वीक का भी होता है, कई मतलब साल का भी होता है, अब तो ये चल रहा है, लेकिन पहले क्या हुआ करते थे एसटीडी हुआ करते थे, उसमें कोई वो रिचार्ज वगैरह नहीं होता था, लेकिन उसमें क्या है हमें मतलब पैसे डाल के ही बात करनी पड़ती थी। तो क्या होता था मार्केट में, क्या था एक कॉर्नर था उसमें क्या है एक एसटीडी हुआ करता था। अब आपको एसटीडी की फुल फॉर्म पता लग गई ना, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ओके स्टूडेंट्स, ये थी एसटीडी की फुल फॉर्म। यस, पेज नंबर 180। फ्रॉम दिस बूथ यू कैन मेक टेलीफोन कॉल्स टू योर फ्रेंड एंड रिलेटिव्स लिविंग इन योर सिटी और इन एनी अदर सिटी ऑफ एनी स्टेट। तो ये जो बूथ होता था, है ना, जो एसटीडी का बूथ होता था, बूथ, तो इसमें क्या थे आप क्या कर सकते थे कि अपने जो फ्रेंड्स थे और अपने जो आपके रिलेटिव्स थे जो आपके घरों के नज़दीक या आपके मतलब शहर के नज़दीक रहते थे, उनको क्या कर सकते थे, कॉल कर सकते थे, और क्या कर सकते थे कि अदर मतलब स्टेट में भी, अदर राज्य के मतलब स्टेट में भी, शहर में भी, तो आप क्या कर सकते थे उनको कॉल कर सकते थे। यू कैन ऑल्सो मेक टेलीफोन कॉल्स फ्रॉम एन एसटीडी बूथ टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स लिविंग इन अनदर कंट्री। क्या है जो कि अनदर कंट्री मतलब कि दूसरे देशों में भी अगर आप बात करना चाहते थे तो क्या थे आप उससे बातें कर सकते थे, अपने फ्रेंड्स से या अपने रिलेटिव से जो आपके मतलब ये मतलब अनदर वो कंट्री में रहते थे, उनसे क्या थे बातें कर सकते थे, है ना स्टूडेंट्स। तो ये था आपका चैप्टर, वेरी इजी चैप्टर, है ना। तो आई होप ये कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आपको पहले अगर कोई पूछे ना एसटीडी की फुल फॉर्म क्या होती है तो आपने क्या बताना है, उनको झट से जवाब दे देना है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ये थी एसटीडी की फुल फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, पहले एसटीडी हुआ करते थे, पहले मोबाइल्स वगैरह नहीं होते थे। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आपको इसकी कुछ एक्टिविटी वगैरह दूंगी, आई होप कि आप उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे और अच्छे से लिखेंगे भी। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।